हाँ जी, जय श्री राधे, हर महादेव। मेरे प्यारे डिवाइन्स, कैसे आप सभी लोग। मैं हूँ पूजा त्यागी, एक साइकिक टैरो रीडर। आज की रीडिंग में करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। क्या चेक करेंगे? वही जो रोज चेक करते हैं हम विदाउट फेल, और वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। चलिए जल्दी से, पहले तो आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लीजिए। रीडिंग के वक्त पॉजिटिव बने रहिए। अगर मुझे अभी तक सब्सक्राइब और फॉलो बैक नहीं करते हैं तो जल्दी से कर लीजिए। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि काम रहना और अपने आप इमोशंस को एकदम बैलेंस रखना और पर्सन के लिए कोई भी ग्रज होल्ड बैक ना करना, इस स्थिति में, इस मनोस्थिति में आपको इस रीडिंग को देखना है। क्लेम करना जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? कुछ भी लिख के आप क्लेम कर लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप देखेंगे इसको आप रेजोनेट करोगे इससे। लेकिन क्योंकि जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि आप पूरा रेजोनेट करो। जितना रेजोनेट करो उतना क्लेम करो, और अगर नहीं रेजोनेट करते तो ड्रॉप करो यार, कोई बात नहीं। चलिए देख लेते हैं कि पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, आपको लेके एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऐसे मुंह फुला के बैठे हुए हैं जैसा कि कुछ समय से बैठे हुए हैं। सब कुछ चेक कर लेते हैं। चलिए, जिस भाग से भी आप ज्यादा रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है? उससे मैनिफेस्टेशन में हेल्प मिलेगी। और चलिए देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या आ रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है द टू ऑफ सॉर्ड्स। ओ हो, सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है द फाइव ऑफ सॉर्ड्स। आज मेरी रीडिंग्स में सॉर्ड्स के कार्ड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड इज द फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, उसके बाद आ रहा है द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। सच कह रही हूँ व्यूअर, आज सुबह से रीडिंग्स में ना मेरे लिए, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, और रीडिंग्स में भी बहुत सारे सॉर्ड्स के कार्ड आए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, देन आई एम गेटिंग द जजमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, ओके। उसके बाद आ रहा है द हायरोफेंट, फिर आ रहा है द किंग ऑफ कप्स, उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है द एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके ओके, लास्ट 4 कार्ड्स आ गया है। फेवरेट कार्ड आप लोगों का जो है द लवर्स। अगेन आई एम गेटिंग द फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड द बॉटम ऑफ द डेक आई एम गेटिंग इज द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कूल, ऑल राइट। ऐसा लग रहा है मुझे ना, एक तो आज इंट्यूटिवली मैं फील कर रही हूं, और कार्ड्स भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आप तक पहुंचने की कोशिश बहुत जल्दी करने वाले हैं। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पार्टनर इतने इमोशनल, इतने सेंटिमेंटल हो रहे हैं कि आप तक पहुंचने की डेस्पिरेशन बहुत ज्यादा है। हालांकि आप भी इनका इंतजार कर रहे हो, तो ये पर्सन बहुत मुश्किल काम नहीं है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रीच आउट टू यू, लेकिन अपने ईगो को शांत करना, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, पास्ट की बातों को भुलाना, और अपने आप में इतनी हिम्मत जुटाना कि दिस पर्सन कैन टेक एन एक्शन टुवर्ड्स यू, ये मेहनत का काम है और पार्टनर आपके करेंगे जरूर। फिलहाल तो जिनकी इंटेंट है ना, वो डेफिनेटली आप तक पहुंचने की, आप ये देखो। ऑल राइट, कैसे कैसे कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचने की। ऑल राइट, पार्टनर इज ट्राइंग हार्ड टू रीच आउट टू यू। ओके, ये एक्शन जरूर लेंगे इस बात का, इसको क्लेम कर लेना, ठीक है? और क्या है, देखो, टूटा दिल तो आपका मुझे दिखाई दे रहा है फिलहाल बहुत ज्यादा, ठीक है? लेकिन अगर आपका दिल टूटा है ना, तो आपके पार्टनर का दिल भी कोई बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। ओके, आपके पार्टनर का दिल आज रियली ब्लीड कर रहा है, रियली। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। ओके, आज क्यों इस पर्सन की भावनाएं इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, क्या वजह है, मैं चेक करूंगी। लेकिन सच बात यही है कि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके। जितने भी दर्द, कष्ट, जख्म इस पर्सन ने आपको दिए हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं। ओके, एंड बड़ा ग्लूमी फील कर रहे हैं। आपकी उन सारी एनर्जीज को आज ये पार्टनर आपके पिक कर रहे हैं जो आप इतने समय से फील कर रहे हो। फाइनली आज आपके पार्टनर आपको लेके ऐसा लग रहा है कि एम्पैथेटिक फील कर रहे हैं। ओके, अच्छा, और क्या, और ना, क्योंकि इतना कुछ इन्होंने सोचा है आपको लेके, पास्ट के बारे में भी सोचा है, जो इन्होंने आपको कष्ट दिए हैं उनके बारे में भी सोचा है, तो पार्टनर बहुत ज्यादा, शायद आज इनका प्रॉपरली खाने पीने का मन भी नहीं किया है, किसी सोशलाइज करने का मन भी नहीं किया है, बड़े अनमने से हुए हुए हैं, बहुत ही ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही गिल्टी कॉन्शियस दिखाई दे रहे हैं। पर्सन आपके बहुत ज्यादा ना गफलत में है आज,
ओके okay, बहुत इमोशनल तो है, ओवर इमोशनल तो है, साथ ही साथ बड़ा गफलत में है। इनको लगता है कि जो आपके साथ किया वो गलत था, जो आपके साथ किया वो बहुत ही बेरहम था जो इन्होंने आपके साथ किया है। और एक एक करके ना इनको सारी बातें याद आ रही हैं, और जब बातें याद आ रही है ना तो देखो कोई बहुत अच्छी तो बातें हैं नहीं जो इन्होंने की हैं, या जो इन्होंने आपको आप पे कोई इन्होंने फूल तो बरसाए नहीं थे, ऐसी ऐसी बातें कही थी जिनका कष्ट, जिनका बोझ, जिनकी फीलिंग आप आज तक ढोते हो। तो जब उन बातों के बारे में ये सोच रहे हैं ना, जब रियली जेन्युइनली उन बातों को रिव्यू कर रहे हैं ना, तो कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं, द फाइव ऑफ सोल्स, कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कैसे कह दिया मैंने, हाउ कुड आई, क्या सोच रहा था या क्या क्या सोच रही थी मैं, कैसा लगा होगा इस पर्सन को जो मैंने ये सब चीजें कही हैं। तो कहीं ना कहीं नो आपके वूंड्स को, आपके जख्मों को सूद करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी बातें कहना चाहते हैं आपसे जो आपके लिए सूदिंग लगे। कहीं ना कहीं मन में ये सोच रहे हैं कि जब मैं मिलूंगा या जब मैं मिलूंगी ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, मैं सब कुछ ऐसा कर दूंगा कि या कर दूंगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके सूद हो जाएगा मेरा पार्टनर, इस तरह की भावनाएं दिखाई दे रही हैं। और पता है एक चीज और जो मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, वो है ईश्वर से अपनी गलती की माफी। ओके ये भी आज मेरे डिवाइन व्यूअर, आज आपके पार्टनर ने अपनी गलती की माफी भी ईश्वर से मांगी है, ओके एंड रो के मांगी है आज वाकई में। ओके हो सकता है बप्पा के सामने रोए हो सकता है कि किसी ऐसे क्लोज्ड फ्रेंड के सामने इन्होंने अपनी फीलिंग्स कही हो, क्योंकि बहुत अनबियरेबल हो रही थी। ओके आज ए पर्सन, और बहुत सारे लोगों के लिए पर्सन साइलेंस में रोए हैं, और इन्होंने ईश्वर से डायरेक्ट बात की है, आज खुल के बात की है, रो के बात की है अपनी गलतियों की, आज फाइनली इस पर्सन ने ईश्वर से माफी मांगी है। ओके और क्या है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी है। देखो इमोशंस बहुत रेजिंग हाई हैं आपके पार्टनर के, क्यों है आपके पार्टनर के इमोशंस इतने हाई कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। ओके आत्मचिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोचे जा रहे हैं कंटिन्यूसली आपके बारे में। क्यों? इसलिए क्योंकि आज लवर्स की एनर्जी, आज आपके साथ जो इस पर्सन का कनेक्शन था उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन फील कर रहे हैं। ओके आज अचानक ऐसी एनर्जीज में है आपके पर्सन जहां पे बहुत स्ट्रांगली आपके लिए लव फील कर रहे हैं, जहां बहुत स्ट्रांगली आपके लिए इमोशंस फील कर रहे हैं। ओके तो ये पर्सन की जो एनर्जीज है ना आपके लिए आज बहुत बहुत लविंग एनर्जीज है। ओके वेरी वेरी लविंग एनर्जीज, एंड पर्सन डेफिनेटली आपको कहना चाहिए कि मिस तो कर ही रहे हैं। ओके मिसिंग एनर्जीज तो है ही, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा लविंग एनर्जीज भी आज आपके पार्टनर की आपके लिए है। ओके चलिए और देखते हैं आगे वाले कार्ड्स क्या है, क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट एक्शन। देखो द हायरोफेंट कार्ड है। ओके ओके पर्सन की रिजिडिटी, ओके जो भी पहले आपके साथ रिजिड रहते थे, लकीर के फकीर, थोड़ा इमोशन शेयर किया फिर शेयर नहीं किया, कुछ बातें कहीं कुछ रख ली कुछ कहीं नहीं, आज फाइनली इस एनर्जी से मुझे बाहर दिखाई दे रहे हैं। ओके आज फाइनली मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ओके आज लग रहा है कि एक्शन लेंगे, और कहीं ना कहीं पर्सन की जो स्पिरिचुअलिटी है, कहीं ना कहीं जो उनकी कॉन्शियसनेस है, उसने भी उनको आज क्वेश्चन किया है। ओके तो पर्सन काफी ज्यादा ऐसे कहते हैं ना कि चेंज फील कर रहे हैं, बहुत ही अलग सा महसूस कर रहे हैं, बहुत ही बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी कि बदलाव महसूस कर रहे हैं खुद में, कि ओवरऑल एनर्जीज आज चेंज लग रही है बहुत ज्यादा। ओके और आपके तरफ ना कहीं एक्साइटमेंट से एक्शन लेना चाहते हैं, वंस एंड फॉर ऑल आपके और अपने बीच के रिलेशनशिप को ये बेटर करना चाहते हैं। ठीक है आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे इस तरह की दिखाई दे रही है। आप तो जब से पार्टनर गए हैं इसी एनर्जी में हो व्यूअर, द फोर ऑफ सोर्ड्स, इससे बाहर ही नहीं निकले आप। ओके आप अपने उस छोटे से खोपचे में से बाहर ही नहीं आए हो अब तक, जो आपने अपने लिए बना लिया जब से पार्टनर गया है। ओके यू हैव अ स्मॉल स्पेस, ज्यादातर टाइम आप वहीं स्पेंड कर रहे हो। ओके और वहां से आने का आपका मन नहीं करता है, आपका मन करता है कि वहीं रहो बस। ओके इधर ही रहो, बस इस छोटी सी स्पेस में रहो, मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। बट अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है मूवमेंट प्रोग्रेस, आपकी तरफ बढ़ते हुए आपके पार्टनर के कदम, आपके पार्टनर का ट्रू लव आपके लिए, सच्चा प्यार, जो फाइनली अब आप कह सकते हो कि हाँ ये पार्टनर मुझसे सच्चा प्यार करता है, ऐसी एनर्जी में आप दोनों अब आने वाले हो। ओके क्योंकि इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद, इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद,
हुआ जहां पे आपके पार्टनर के पास एक बड़ा ही आसान ऑप्शन था इतने लंबे सेपरेशन के बाद आपके पास लौट के ना आने का, लेकिन पार्टनर ने वो ऑप्शन लग रहा है कि अब नहीं लिया है, वो आपके पास लौट के आएंगे, आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। एंड ये तभी हो सकता है जब लव ट्रू हो, जब प्यार सच्चा हो, क्योंकि अगर सच्चा प्यार नहीं होगा तो इतना एफर्ट पर्सन नहीं लगाएगा। तो एट ऑफ वॉन्स का कार्ड है, ओके, पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए लाइफ बेटर करने के बारे में सोच रहे हैं, सोच रहे हैं सब कुछ ठीक कर देंगे, सोच रहे हैं कि फोर ऑफ पेंटिकल्स में हैप्पीनेस के एनर्जी में आपके साथ आना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा करना चाहते हैं जैसे कि पहले हुआ करता था, ओके, इस तरह के एनर्जी में आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ हंसना चाहते हैं, खिलखिलाना चाहते हैं और आपको हंसाना चाहते हैं, ठीक है, फाइनली आपके और अपने प्यार को सेंटर स्टेज पे लाना चाहते हैं, ओके, जहां पे स्पॉटलाइट आप दोनों पे होगी, स्पॉटलाइट आपके प्यार पे होगी, स्पॉटलाइट आपके इमोशंस पे होगी और इस बार फाइनली व्यूअर स्पॉटलाइट होगी आप पे, इस बार आपके इमोशंस पे होगी। बहुत समय से आप एकदम इग्नोर्ड रहे हो, बहुत समय से आप ऐसे रहे हो जैसे कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, एकदम लो प्रोफाइल करके छोड़ दिया आपको, आपको आपके पार्टनर ने ऐसा कर दिया कि आप ऐसे मानो कि हो ही नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, स्टेज पे आपकी एंट्री वापस होने वाली है, मेरे व्यूअर की एंट्री अब इस मंच पे, ओके, फाइनली वापस होने वाली है। सो खुशियां लौट के आने वाली है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि चीजें बेटर होने वाली है, कुछ ना कुछ मूवमेंट, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके रिलेशनशिप में फाइनली होने वाला है। अब मैं इस होप के साथ, इस बिलीफ के साथ और इस फेथ के साथ दैट आपके पार्टनर जैसा कार्ड दिखा रहे हैं उस तरह के एक्शन फाइनली लेंगे एंड आपकी तरफ लौट के आएंगे, आपकी तरफ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। इस नोट पे मैं करती हूँ आज की रीडिंग वाइंड अप, अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।